हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने दुपट्टे को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने लहंगे के साथ। बहुत ही इजी ड्रेप्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आप बहुत आसानी से इनको कर पाएंगे खुद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने दुपट्टे को इस तरह से लूंगी, एक कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ूंगी और ऐसे फोल्ड करते हुए एक पिन लगा दूंगी और इसको अपने एक शोल्डर पर इस तरह से स्टाइल करूंगी। सो ये एक तरह से ना एक स्लीव की तरह बन गया है। पिन लगाने के बाद इस तरह से कुछ इसका फॉल आएगा, फिर पीछे के पार्ट को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको अपने लहंगे में टक कर लो साइड में। ये काफी सिंपल सा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में और आप एकदम फ्री रहेंगे इस स्टाइल में। तो एक तो ये तरीका है इसको कैरी करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपने बैंगल के साथ अटैच कर सकते हैं इस तरह से। ये भी काफी सिंपल है बट यस, आपको थोड़ा सा डांस करने में या फिर यू नो खाना वाना खाने के टाइम पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज ये ड्रेप भी बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट मैं अपने दुपट्टे को हाफ में इस तरह से फोल्ड करूंगी और इन दोनों कॉर्नर्स को एक साथ ऐसे लेते हुए पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। फिर मैं इसको इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर पर ऐसे इसको पहनते हुए यहां पर एक पिन से सिक्योर कर लूंगी। नाउ अगर आपका दुपट्टा छोटा है ना लेंथ में तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपका दुपट्टा थोड़ा लंबा होगा तो वो नीचे फ्लोर को टच कर सकता है। तो इस केस में आप इस तरह से अपने दुपट्टे को ऐसे मेजर करते हुए इतना पार्ट छोड़ दीजिए एंड देन फिर इसमें प्लीट्स बना लीजिए। एंड प्लीट्स बनाने के बाद आप इनको सिंपली बस पीछे टक कर लीजिए। जितना भी आपको टक करना है, कम प्लीट्स बनानी है या फिर ज्यादा प्लीट्स बनानी है, वो आपके ऊपर है। बस इतना कर लीजिए, इतनी प्लीट्स बना लीजिए कि वो फ्लोर को ज्यादा टच ना करे। बहुत ही सिंपल ड्रेप है एंड स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है जब आप डांस वगैरह करते हो, आप एकदम फ्री रहते हो और पल्लू भी अपनी जगह पर रहता है, टमी एरिया भी अच्छे से कवर हो जाता है। सो ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट ड्रेप है, आप इसको जरूर स्टाइल कर सकते हैं एंड स्पेशली विद योर स्मॉल दुपट्टास जिनकी लेंथ कम है, उनके साथ तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो नेक्स्ट ड्रेप के लिए पहले तो मैंने बन बना लिया है क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे मुझे मेरे बाल। तो मैं अब अपने दुपट्टे को लूंगी इस तरह से कुछ और शोल्डर पे अपने ऐसे प्लेस कर लूंगी। आगे से लेंथ को सेम रखना है। नाउ अपने अंडर आर्म्स के नीचे से ऐसे लाते हुए मैं अपने दुपट्टे को दुपट्टे के साथ ऐसे पिन कर दूंगी और यहाँ पर मुझे ब्लाउज के साथ भी पिनअप कर लेना है। तो दुपट्टे के साथ एंड ब्लाउज के साथ दोनों के साथ यहाँ पर अच्छे से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है एंड सेम चीज मैं दूसरी तरफ भी करूंगी। एंड ये कुछ इस तरह से ना जैकेट स्टाइल वाला लुक आपको मिलेगा एंड बहुत ही क्लीन लुक मिलता है। आप देखेंगे पीछे की तरफ से आगे की तरफ से बहुत ही नीट लुक आएगा एंड बहुत प्यारा भी लगता है एंड हैंड्स एकदम फ्री रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टाइल है, आप इसको जरूर कैरी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका दुपट्टा काफी हैवी है एंड काफी वर्क है जिसमें, उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्लॉन्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक के लिए मैं अपने दुपट्टे को हाफ में फोल्ड करूंगी और अंदर वाली साइड बाहर और बाहर वाली साइड को अंदर रखते हुए मैं हाफ में फोल्ड करूंगी एंड फिर इतना दुपट्टा अपना इतना पोर्शन छोड़ते हुए मैं यहां पर एक पिन लगाऊंगी कुछ इस तरह से। ऐसे मुझे पिन लगाना है एक एंड फिर हम इसको जब ओपन करेंगे ना तो कुछ ये इस तरह से केप स्टाइल का इसमें लुक आएगा और पिन अंदर की तरफ चला जाएगा। तो बाहर की साइड वाली तरफ से हमको ये ऐसे पहनना है और केप की तरह ऐसे शोल्डर पे आप इसको प्लेस कर लीजिए एंड पूरा नेक से मिलाते हुए यहां पर आप एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लीजिए। तो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा एंड बहुत ही सुंदर लगता है ये भी, स्पेशली अगर आपका जो दुपट्टा है वो ट्रांसपेरेंट है तो वो बहुत अच्छा एक केप वाला लुक देता है। फॉर द नेक्स्ट लुक मैं अपने दुपट्टे को इस तरह से अपने शोल्डर पे प्लेस करूंगी एंड पीछे से दुपट्टे के दूसरे पार्ट को लाते हुए यहां पर ऐसे सिक्योर कर लूंगी। एंड ये देखो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये लड़की यहां पर खड़ी होकर पोज दे रही है। सो यस, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब इसकी पोल खुली है।
नाउ इस तरह से पिनअप करने के बाद मैं एक बेल्ट की हेल्प से अपने दुपट्टे को ऐसे सिक्योर कर लूंगी एंड जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको मैं लूज ऐसे छोड़ दूंगी। सो ये कुछ इस तरह का लुक इसका आएगा। नेक्स्ट लुक के लिए मैं अपने दुपट्टे के कॉर्नर को इस तरह से अपने शोल्डर पर पिनअप कर लूंगी और दूसरे एंड को यहां पर इस तरह से प्लीट करूंगी। अच्छे से इसको प्लीट करने के बाद मैं अपने दुपट्टे को पीछे की तरफ से आगे लेकर आऊंगी और यहां पर फिर मैं इसको पिनअप कर लूंगी और एक बेल्ट की हेल्प से इसको सिक्योर कर लूंगी। ओके सो बाकी ड्रेपिंग स्टाइल से पहले मैं जल्दी से बताना चाहूंगी इस मामा अर्थ की बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम के बारे में। इसमें है क्यूकम्बर और पेप्टाइड्स जो हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं और अंडर आई स्किन को हाइड्रेट और नरिश करते हैं। मैंने इसको यूज किया है एंड मेरे डार्क सर्कल सच में कम हुए हैं। इसके साथ साथ मैं यूज करती हूँ ये बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। इसमें है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी जो हमारी स्किन के मेलानिन डिपॉजिट को कम करने में हेल्प करते हैं, स्किन को इवन बनाते हैं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इश्यू है, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो आप इस क्रीम को जरूर ट्राई करना। मामा अर्थ एक सेफ ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, बिल्कुल नेचुरल है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड बेस्ट पार्ट इज प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। तो आप इनको ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से या फिर ऑनलाइन लेना है तो mamaearth.in या फिर इनकी ऐप से आप ले सकते हैं। और मेरा कूपन कोड आप जरूर यूज कर लेना Aanchal2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। ऑल्सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple पे भी मिल जाएंगे। सभी के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट ड्रेप के लिए मैं अपने दुपट्टे के एक पार्ट को इस तरह से सेटिंग करूंगी प्लीटेड स्टाइल में। अंदर वाली प्लीट्स को मैं थोड़ा छोटा छोटा रखूंगी, ऊपर वाली प्लीट को थोड़ा सा चौड़ा रखूंगी। तो इस तरह से अंदर वाली प्लीट इसके पीछे छिप जाएंगी और ऊपर से काफी नीट लुक मिलेगा। सो इस तरह से मैं अपने दुपट्टे को सेट कर लूंगी और अपने शोल्डर पर ऐसे प्लेस करूंगी। पीछे की तरफ मैं ज्यादा रखूंगी इसको, पूरा फ्लोर लेंथ तक मैं अपने दुपट्टे को प्लेस करने वाली हूँ पीछे की तरफ। सो इससे ना काफी अच्छा इल्यूजन मिलता है एक लंबे दुपट्टे का। सो यहाँ पर मैं पिनअप कर लूंगी। नाउ अगेन ये ड्रेप बेस्ट है अगर आपके दुपट्टे की लेंथ कम है। इस तरह से प्लेस करने के बाद ना आप आगे से यहाँ पर अपने लहंगे में इस तरह से टक कर लो और ऐसे इसको फैला लो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपके दुपट्टे की लेंथ शॉर्ट है। काफी नीट लुक मिलेगा और ओवरऑल जो लुक है ना वो काफी अच्छा लगता है। आपका टमी भी बहुत अच्छे से इसमें हाइड हो जाता है। सो इसको जरूर ट्राई करना। नाउ अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है लहंगे के अंदर टक करना इसको तो आप सिंपली इस तरह से भी इसको अपने शोल्डर पर पिनअप कर सकते हैं। अगेन लुक बहुत अच्छा आएगा, एक लंबे दुपट्टे का इल्यूजन मिलेगा एंड इससे भी काफी आपका टमीना कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लुक के लिए मैं अपने दुपट्टे के एक कॉर्नर को इस तरह से अपने ब्लाउज के पीछे पिन करूंगी एंड अपने शोल्डर पर इस तरह से प्लेस करते हुए पीछे की तरफ से अपने दुपट्टे को लाऊंगी एंड इसके दूसरे वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए मैं ऐसे पिन लगा लूंगी और इसको अपने हाथ में एक बैंगल की तरह से ऐसे पहन लूंगी। सो बहुत सिंपल ड्रेप है ये भी एंड अगेन बहुत ही ना रॉयल लुक आता है आपके लहंगे के साथ। सो ये वाला ड्रेप भी आप जरूर ट्राई करना। सो ये कोई ड्रेपिंग स्टाइल नहीं है, माय शूट इज ओवर नाउ एंड यस ये थे कुछ सिंपल से इजी से ड्रेप्स। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कौन सा वाला ड्रेप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया एंड अगर अच्छी लगी ना ये वीडियो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम @myolivetrunk एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय। In front of me, my enemies, I've tried every possibility.